दिन पर दिन इतिहास रचा जा रहा है। पिछले 3 दिन से प्रशांत धवन के तीनों वीडियोस को मैं आपको बताता हूँ। पहली वाली वीडियो डाली थी कि जापान के प्रधानमंत्री आया, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आया। फिर उससे अगले दिन मैंने वीडियो डाली थी, एप्पल ने अपने करोड़ों के मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिए। और अब आ रही है प्रशांत धवन की वीडियो, भारतीय इतिहास में पहली बार 400 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। ये इतिहास में पहली बार होने वाला है और अभी बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो इस बात पे तालियां तो बजाना बनता ही है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख पाओगे, पीएम मोदी की ट्वीट है। क्या बात है, तालियां बजते बजते हम देखते हैं मिक्स मैसेज रिएक्शन। प्रशांत धवन सर की वीडियो है, आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, इतिहास में पहली बार भारत ने 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स का जो आंकड़ा है ये छुआ है। दिस इज वेरी स्पेशल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अभी ये है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म ही नहीं हुआ। मार्च 31 को जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये खत्म होगा, अच्छा, तो 9 दिन पहले ही हमने अचीव नौ कर दिन लिया है पहले ये ऑब्जेक्टिव। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, इंडिया सेट एन एम्बिशियस चार टारगेट सौ दस ऑफ तक निकल 400 जाएगा, बिलियन बिल्कुल निकल ऑफ जाएगा, गुड्स इसमें कोई शक एक्सपोर्ट्स नहीं है। एंड अचीव दिस टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ये यहां पर कंग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने किसानों को, व्यूवर्स को, जो छोटे मध्यम वर्ग के एंटरप्राइजेस हैं इनको, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स भाई को। सारे को और अप्रिशिएट किया बिल्कुल है। अपने हाँ आप में ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहां पे आपको समझना होगा पिछले साल हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था गुड्स का, माइंड यू हम यहाँ पर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंफोसिस, टीसीएस, हमारी आईटी कंपनीज करती है, उनको काउंट नहीं कर अच्छा रहे। अच्छा ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं टैंजिबल गुड्स की, जो कार्गो के थ्रू हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट अच्छा करते हाँ हैं। हाँ तो हाँ इसका हाँ एक्सपोर्ट आप अगर आईटी देखो नहीं तो है इसमें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में था आईटी नहीं और टू दूसरी नाइनटी चीज़ें। टू हाँ बिलियन डॉलर इसमें 37% की हाँ आईटी उछाल भी आई आईटी है, हो सकती और है। अब ये 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका ओ है, 9 days अहेड ऑफ द शेड्यूल। कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 दिन में इसको हम 410, 430 के आसपास, 20 थोड़ा सा ओवर रहेगा, 430 के आसपास भी वो चाहते, दैट वुड बी वंडरफुल। अभी तो खैर हम अभी जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट है उनको भी काउंट करें तो 250 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट उम्मीद की जा रही है कि ओए वहां से भी वाह होंगे। तो इंडिया के जो नानो टोटल क्या कर एक्सपोर्ट होने रहे हो, वाले हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 650 बिलियन अरे डॉलर के बहुत बड़ी आसपास बात है आपको यार, दिखे। फर्स्ट टाइम दिस कितनी इज एक्सेप्शनल। बड़ी एक्सपोर्ट अब हुई। यहां पे मैं ये भी हाँ आपको बोल दूं, जो गुड्स वाले एक्सपोर्ट्स है ना, इसको सरकार ज्यादा तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि इससे बनती हैं जॉब्स। आईटी के जो एक्सपोर्ट्स हैं बिल्कुल उसमें मजा, सही जॉब्स बात है। लिमिटेड बनती हाँ हैं, ये कुछ ही बात है, लोग बहुत ही हाई सैलरी पे काम करके काफी कुछ एक्सपोर्ट हाँ करते हैं ये सॉफ्टवेयर बात के आईटी मामले में में, तो यही सर्विसेज चीज के है ना, मामले में। जॉबें बहुत मिल रही मगर है। जो हाँ गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें आप मान के चल लीजिए हर दिन इंडिया ने 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट एग्जैक्टली किया है, बिल्कुल, इट एक इज दिन से फिनोमिनल। ऊपर का और अब किया। सरकार जेन्युइनली बिलीव कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 2026, 27, मे बी इवन 28 में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स आप मिला दो तो हो सकता है कि 1000 बिलियन डॉलर, मतलब के 1 ट्रिलियन डॉलर सब भी हो ओए सकते हैं। दिस विल बी भाई रिमार्केबल फॉर बहुत इंडिया। तो हाँ, डिस्कस अब करते हैं इस इतना तो टॉपिक को खाली कि सोच हमने नहीं ये अचीव सकता है, कैसे किया, सोच क्या सकता है। जेन्युइनली यहाँ पर हमारी खुश तो होने की बात है। तीस चालीस बैड बिलियन की न्यूज भी यहाँ पर एक्सपोर्ट। क्या ही है साथ में, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड को लेकर पॉलिसी बनाई है, सरकार हमेशा एक नीति अच्छा बनाती है बिल्कुल कि विदेशी ट्रेड जो है हमारा इसको हम कैसे मैनेज हाँ करेंगे, वो क्या हमारा टारगेट करेगी होगा। तो अभी के लिए सालाना जो इसकी नीति चल रही बंदी। है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 2020 से 2030 का, 2021 से 2025 का, आई 2021 से थिंक फर्स्ट वन 2031 का, या फिर 2021 से 26 तक है, मैं तो 2026 बोल रहा का। हूँ कमेंट सेक्शन में हाँ सब लोग 2021 इसका या आंसर 26 करो, सही आंसर मैं आपको पाँच साल दूंगा हाँ वीडियो पाँच के अंत में। ना देखिए अपने आप में 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट अचीव करना बहुत अच्छी बात है, मगर जबरदस्त बात दुनिया में है। हम कहां पर खड़े हैं ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स है मान के चलिए अगर 650 बिलियन डॉलर्स के आसपास का होगा सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को मिलाकर भी, तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे चाइना के टोटल एक्सपोर्ट से तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं 3.2 से लेकर 3.3 ट्रिलियन US डॉलर्स तक, मतलब भाई वो कि एक्सपोर्ट शुरू चाइना से हमसे रफली कहा आप कह लीजिए 5 से लेकर 6 गुना आगे है। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हाँ US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री चाइना के आगे नहीं है। तो भाई ये दोनों यहां के पर पहले नंबर पे बेंचमार्क ही है। है, हाँ इवेंचुअली चाइना हमारा टारगेट होना चाहिए वो कि वजह चाइना आंसर से तो नहीं है कंपीट ना, करना तो है। ना और मेरा ये मानना है कि इन द इंडिया फ्यूचर हम तो लोग ये एक्चुअली 6 चाइना से सात साल काफी में हद तक जबकि मोदी कंपीट जी कर की भी हुकूमत सकते हैं, आई इंडिया तब। के हाँ ना एक्सपोर्ट बहुत भविष्य में बड़ी बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। रीजन क्या है, हम लोग इस वक्त बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन कर रहे हैं और नेगोशिएशन बहुत कड़ी है,
ये गवर्नमेंट एंश्योर कर रही है कि इंडिया को अपर हैंड मिले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अच्छा एक बार को चाहे बातचीत में कई साल क्यों ना बीत जाए, पहले कोई छोटी ट्रेड डील हो बाद में बड़ी ट्रेड डील हो, डज नॉट मैटर, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उसमें इंडिया को फायदा होना बिल्कुल, चाहिए। तो अभी यहाँ इंडिया जहर की देखिए बात है। एफटीए साइन करेगा प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूरोप के साथ साइन करेगा, यूके के साथ बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ। एक बार एफटीए प्रॉपरली हमने साइन कर लिया, फिर आप देखेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और भी ज्यादा बिल्कुल बढ़ेंगे, एंड इवेंचुअली हम बिल्कुल चाइना से ही कम्पीट करने वाले हैं। इस समय देखिए हमने एक काम ये भी किया है, नई मार्केट्स कैप्चर करी। हाँ अफ्रीका में कई देश हैं, इथोपिया है, नाइजीरिया है, वहां पर पहले हम कुछ जरा एक्सपोर्ट करते नहीं थे, अब रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारी दवाइयां हैं जो इंडिया में बढ़िया बनाते हैं, वैक्सीन हैं, ये सब हमने बहुत एक्सपोर्ट करी है वहां पर। फिर एक टाइम में जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पर फूड का नंबर वन सप्लायर हुआ करता रहा इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। हमने रिसेंटली ब्राजील को पीछे छोड़कर वापस टाइटल रिक्लेम किया है ऑफ लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर टू गल्फ रीजन। तो कई मार्केट जो हमारे हाथ से पहले निकल गई थी हमने रिकैप्चर करी है, नई ये मार्केट खोली बना है, रहे हैं और हमने सब कुछ बना पर्टिकुलरली फोकस किया है इंजीनियरिंग गुड्स पर। इस सब की वजह से देखा गया है कि हमारे रिसेंट एक्सपोर्ट्स में काफी बड़ा रहे जंप हैं। देखने को मिला ना है। इंजीनियरिंग गुड्स क्या हाँ होते हैं, देखिए इंजीनियरिंग गुड्स में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार 50% 60% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और आज के समय जो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप देखोगे 15% है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं वेट ऑयल, हम लोग ऑयल हाँ एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग कच्चा तेल लेते हैं, हमारे देश में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज का बनाते हैं पेट्रोल डीजल वेरियस और प्रोडक्ट्स, उसको हम बेचते हैं बाकी देशों को, तो अच्छा इसलिए यहाँ पर ऑयल लिखा हुआ है। फिर साफ कर दिया। इंजीनियरिंग गुड्स हाँ आपको दिखेंगे, देखिए इंजीनियरिंग गुड्स ने अकेले टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है 110 बिलियन डॉलर्स का। इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत ही चीजें आती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील आता है यहाँ पर, एलॉयज आते हैं वेरियस टाइप के, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब आता है इंजीनियरिंग गुड्स में। तो ये हमारा जो सेक्टर है बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। और अब देखिए इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, जो हमारा एग्री सेक्टर है ना, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में भी 9% के आसपास है, इसमें बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है एग्रीकल्चर को भी वीट की दुनिया में कमी महसूस की जा रही है, और बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर दुनिया का अन्नदाता बन के उभरेगा। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वीट दुनिया भर के देशों को, कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया का वीट परचेज करे, अगर इनमें दिमाग कम होगा तो थर्ड पार्टी से लेंगे, मतलब कि पहले इंडिया ने वीट बेचा सऊदी अरेबिया को या फिर यूएई को, फिर पाकिस्तान यूएई से परचेज कर रहा है, अगर रीजनेबल लोग हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया से ये लोग वीट का जो ट्रेड है ये ओपन करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान में जो गेहूं के दाम है ये बहुत ही ज्यादा होंगे इन द नियर फ्यूचर। तो ये सब तो है अपने आप में, ये तो भाई भाई बात बताते हैं आगे सुनने वाले, ये है कि हम लोग अभी खुशियां बना रहे हैं कि देखो हमने कितना सारा सामान बेचा। अब देखो अभी एक और आंकड़ा हमारे सामने आएगा कि हमने कितना कुछ खरीदा, क्योंकि याद रखिएगा इंडिया जितना बेचता है उससे ज्यादा खरीदता है, इसलिए हमारे देश में है CAD, मतलब के करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हमारा CAD है डेफिनेटली इस बार बढ़ने वाला है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है कि उससे जरा भी बढ़े। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इंडियन रुपी की थोड़ी सी पिटाई हो गई है, कहां इंडियन रुपी 73-74 के आसपास झूल रहा था, ये 75 तोड़कर 76 के आसपास पहुंच गया है, फिर जो कच्चा तेल है हमारा ये कहां पर होता था 60 डॉलर 70 डॉलर पर बैरल के आसपास, ये पहुंच चुका है 110-120 डॉलर पर बैरल। और इस पर भी अगर मान लो रशिया ने दे दिया 20% का, क्या आपने अचीव कर लिया? 100 डॉलर पर आपको 20% का आपको डिस्काउंट मिलता भी है, तब भी आपने 80 डॉलर का क्रूड ऑयल परचेज किया। बेसिकली जो आपने अनुमान लगा रखा था कि जितना आप पैसा खर्चोगे कच्चे तेल पर उससे ज्यादा आपको खर्चना पड़ेगा। तो अभी रियल पिक्चर आनी बाकी है कि हमने सामान खरीदा कितने का है, सरकार के पास इससे कितना बोझ बढ़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डेफिनेटली मेरा पर्सनली ये मानना है कि वर्क हार्ड, और जब आप कुछ अचीव करें उसको सेलिब्रेट भी करिए, नहीं तो पता नहीं लगता कि हाँ आपने कुछ अचीव किया भी है या नहीं अचीव किया।
तो अभी के लिए ये हमारे देश के लिए अकॉम्प्लिशमेंट है, देश के इतिहास में पहली बार 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, फ्यूचर 500 बिलियन 600 बिलियन और भी बड़े माइलस्टोन हम लोग बिल्कुल अचीव करेंगे। अभी मार्च भी पूरा नहीं हुआ और 400 बिलियन डॉलर हमने छू लिया है, हो सकता है अगले 5-7 दिन में और भी 410-15 तक कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो ये थी आज की मिक्स मैशन रिएक्शन, आपको मिक्स रिएक्शन देखने मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।